हलचल टीवी न्यूज। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मुआवजे पर चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ से हरियाणा सरकार कह रही है कि प्रदेश में जाट आंदोलन के कारण 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अब सरकार ने केवल 24 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। सरकार को चाहिए कि इस किस्त को और बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के साथ वायदा किया था कि सरकार व्यापारियों के नुकसान की भरपाई 15 दिनों में कर देगी, लेकिन अब तक व्यापारियों को एक भी रुपया नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 17 मार्च को हरियाणा बंद के बाद व्यापारी और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही है 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हरियाणा के अंदर हुआ है, और जब जब मुआवजे की बात आती है, मुआवजे के नाम के ऊपर 1546 व्यापारी को 22,36,00,000 रुपए अब तक दिए गए हैं। ये पीड़ित व्यापारियों मरहम लगाने के बजाय उनके जख्म के ऊपर नमक लगाया जा रहा है। मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, हरियाणा सरकार अपने वायदे के अनुसार, सरकार ने जो वायदा किया था 15 दिन के अंदर अंदर पूरा मुआवजा पीड़ित व्यापारी को देंगे और हर प्रकार का सुरक्षा देंगे और हर प्रकार की कार्य उनके हक में करेंगे। तो मेरी हरियाणा सरकार से मांग है भाई, सरकार 15 मार्च से पहले पहले प्रदेश पीड़ित व्यापारी को पूरा मुआवजा दे, नहीं तो 17 मार्च को प्रदेश के व्यापारियों आह्वान के ऊपर पूरा हरियाणा बंद रहेगा। और हरियाणा सरकार से एक मांग और भी है, जहां तक पीड़ित व्यापारी का सवाल है, पीड़ित व्यापारी के परिवार को एक नौकरी दे, उनको 5 साल तक के लिए मुफ्त, मतलब 5 साल के लिए उनका जो मुफ्त बीमा योजना लागू करे, उसके अलावा 5 साल के लिए उनको बिना ब्याज के ऊपर लोन देने का कानून हरियाणा सरकार बनाए। हिसार से हलचल टीवी के लिए रमेश चाकर की रिपोर्ट। अब सुंदर बनने का सपना करें साकार, क्योंकि अब सुंदरता पाना हो गया है बहुत ही आसान। सुंदरता का राज जान गए हैं सुंदरा सीक्रेट, और लेकर आए हैं आपके लिए सुंदरता के ये उपहार। सुंदरा सीक्रेट फेशियल किट, सुंदरा सीक्रेट टी टैन, सुंदरा सीक्रेट हेयर स्पा और बहुत सारे प्रोडक्ट कर रखेंगे आपकी सुंदरता का हर तरफ से ख्याल। बिकॉज वी कैन, वी केयर ब्यूटी फॉर एवर। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।